अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है। देखो बच्चा, इसमें लिखा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। दो नंबर्स हैं जिनका सम 18 है, यानी दो नंबर जिनको प्लस करके हमें क्या मिलता है, 18 मिलता है। एक ये कंडीशन दी है, और सेकंड कंडीशन दी है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। और अगर उनका हम रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर का, मानो हमारे पास 3 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 होगा, और अगर मान लो 1/3 है तो रेसिप्रोकल 3 होगा, तो इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। अब वो कह रहा है कि आप उन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करें और फिर उनका सम करें। रेसिप्रोकल करने के बाद हम सम करें तो हमें आंसर में 9/40 मिलता है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। इधर लिखा है ना फाइंड द नंबर्स, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। फर्स्ट नंबर को हमने एक्स ले लिया और सेकेंड नंबर को वाई लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर हमें 18 दिया, यानी कि इन दोनों नंबर्स को प्लस करके, यानी कि x प्लस वाई अगर हम करते हैं ना, तो हम उसको इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों नंबर का सम सम यानी कि एड एडिशन इज इक्वल टू 18 है। तो इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे अभी के लिए। ओके, अब आगे लिखा सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। देयर रेसिप्रोकल मीन्स इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करें। जैसे x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, और y का रेसिप्रोकल 1/y। तो ये x का रेसिप्रोकल हो गया और ये y का। अब इनका सम करना है, देखो इधर वर्ड सम यूज हो रहा है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। तो हम लिखेंगे 1/x प्लस 1/y, क्योंकि रेसिप्रोकल का सम करना है, इज इक्वल टू 9/40। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब बच्चा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा जो x है ना, वेरिएबल x और y सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में आ रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन में न्यूमरेटर में आ रहे हैं। सो ये लीनियर इक्वेशन में तो एक्सप्रेसेबल नहीं हो सकती, एक्सप्रेस नहीं हो सकती ये वाली इक्वेशन जो है। ओके, तो इसको हम क्वाड्रेटिक में ही लाएंगे, और क्वाड्रेटिक में कैसे लाएंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से एक्स या वाई की वैल्यू ले लेंगे। ओके, तो मैं इधर वाई की वैल्यू ले लेता हूं, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 18 - x। तो वाई हो गया हमारा 18 - x, वाई इज इक्वल टू 18 - x हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिला हमें। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्सिट्यूट कर देंगे, यानी कि y की जगह इक्वेशन 2 में हम 18 - x लिख देंगे। तो ये होगा 1/x प्लस 1/y, यानी इधर y की जगह क्या आ जाएगा, 18 - x इज इक्वल टू 9/40। फाइन, अब इसको हम क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेस करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। देखो बच्चा, x और 18 - x का एलसीएम होगा x इंटू 18 - x। फाइन, अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करने पे हमें x इंटू 18 - x मिलता है। ऑब्वियसली x को अगर हम 18 - x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें x इंटू 18 - x मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को जो न्यूमरेटर में 1 है उसको भी 18 - x से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 18 - x न्यूमरेटर में। और अब इधर सेकंड वाले एक्सप्रेशन में देखो, 18 - x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x इंटू 18 - x मिल जाए। तो ऑब्वियसली x से मल्टीप्लाई करके तो x इंटू 18 - x होगा। तो हम अगेन न्यूमरेटर में जो ये 1 है, यहां पर पॉइंटर पे ध्यान देना, इसको भी x से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां पर प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/40 लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा देखो, ये माइनस x प्लस x कट हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 18/, और जो डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के बाहर x है ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो x को 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 18x मिलेगा। फाइन, और x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/40। अब ध्यान दो बच्चा, जो 18 और 9 है दोनों 9 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे हम, 9 और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब अगर 18 को हम 9 से कट करते हैं तो हमें मिलता है 2, और 9 को 9 से कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई बच्चा, इसके बाद 2/18x - x2 इज इक्वल टू 1/40। अब नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे ध्यान से समझना बच्चा। जैसे ये 1 × 18 - x2 होगा, और आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहां पर हमारे पास 18x - x2 आ जाएगा पहले, इज इक्वल टू 2 × 40, और 2 × 40 क्या होगा, 80। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चा, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x² वाली टर्म पहले आ रही है तो हम पहले -x² लिख देंगे। फाइन, उसके बाद फिर x वाली टर्म प्लस 18x
जो कि ऑलरेडी LHS में है, तो इसको हम प्लस 18x ऐसे लिख देंगे। लेकिन जो ये प्लस 80 है RHS में, इसको हम LHS में शिफ्ट करके माइनस 80 कर देंगे और RHS में हमारे पास इज इक्वल टू जीरो रह जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब भी बच्चा x² के आगे माइनस का साइन आ रहा हो ना, तो इस सम को थोड़ा इजी करने के लिए हम ईच टर्म को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ताकि ये जो x² के आगे वाला नेगेटिव साइन है ये हट जाए। तो ईच टर्म को हम माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। देखो बच्चा, ईच टर्म के नीचे मैंने माइनस 1 लिख दिया, अब ये माइनस 1 कट गया। x² अपॉन 1 को हम x² लिख सकते हैं, बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर। सिमिलरली इधर प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और 18x अपॉन 1 को हम 18x लिख सकते हैं, और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 80 अपॉन 1 को हम 80 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, पहले हम सम और प्रोडक्ट लेते हैं। सम जो होता है ना बच्चा, इक्वेशन में जो मिडिल टर्म में x का कोफिशियंट होता है उसे सम लेते हैं। अब x के आगे क्या नंबर है, माइनस 18, तो सम इज माइनस 18, और प्रोडक्ट जो है बच्चा पॉजिटिव 80 है, प्लस 80, प्रोडक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव 80 है। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 80 आता हो, लेकिन उनका सम माइनस 18 हो। अब क्योंकि बच्चा सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ध्यान रखना जब भी सम नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, तो हम दोनों नंबर को नेगेटिव रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके लिए हम नंबर्स ढूंढने के लिए हम 80 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, जैसे कि 1 × 80 ले लेंगे। अब 1 × 80 तो 80 होगा, इधर दोनों के साथ मैंने कहा ना माइनस का साइन आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव रहेंगे, तो -1 × -80 +80 होगा। लेकिन क्या सम हमें -18 मिल पाएगा, -1 और -80 लेने पे, -1 - 80 करते हैं तो हमें -81 मिलता है, तो सम तो नहीं आ पा रहा, तो ये कॉम्बिनेशन हम नहीं लेंगे। अब -2 × -40 करें तो भी तो हमें 80 मिलता है ना, लेकिन इसमें भी हमारा सम नहीं बन पाएगा, आप चेक कर लेना। ओके, इसके बाद 3 के टेबल में तो ये आता नहीं, फिर 4 × -4 × -20 करेंगे तो -80 आएगा, लेकिन सम इधर -24 बनेगा, क्योंकि -4 और -20 को हम ऐड करते हैं तो -24, लेकिन सम तो हमें -18 चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट -8 × -10 करें तो हमें +80 मिलता है, +80 तो मिलता है, लेकिन इधर क्या सम मिल पा रहा है। देखो बच्चा, -8 − -10 करते हैं, -−+ आएगा, 8 + 10 = 18, तो -18, यस सम आ रहा है। तो यही हमारे मिडिल टर्म के दो नंबर रहेंगे, -8 और -10, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नंबर्स। तो हम लिख देंगे x² - 8x - 10x। देखो बच्चा, -18x की जगह -8x और -10x हो गया, तो ये मिडिल टर्म हमारी स्प्लिट हो गई, स्प्लिट मीन्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, +80 एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चा, देखो इधर फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, यस सर x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x² में से x कॉमन लेंगे तो इधर x रहेगा, और 8x में से x लेंगे तो -8 रहेगा। अब लास्ट टू टर्म में -10x + 80 में क्या कॉमन है, दोनों में 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, जो दोनों में 10 है, 10 अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखो बच्चा कैसे लिखेंगे इधर, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है और हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। जब भी बच्चा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, ब्रैकेट ओपन करते वक्त या क्लोज करते वक्त हम साइन चेंज कर देते हैं, तो अगर हम -10 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x, और जो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर -8 हो जाएगा, तो x - 8 इज इक्वल टू 0। ये अब तक हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस पे ध्यान दो बच्चा, दोनों में x - 8 कॉमन है, तो टेकिंग x - 8 एज कॉमन, x - 8 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक x बच जाएगा बच्चा इधर सेकेंड ब्रैकेट में, और फिर माइनस का साइन आएगा और -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x - 8 इज इक्वल टू 0 डालो, एंड x - 10 को भी इक्वल टू 0 डालेंगे, तो x इज इक्वल टू -8 0 के साथ जाएगा, तो 0 + 8 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 8 आ गया, और एंड x इज इक्वल टू -10 को भी 0 के साथ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 0 + 10 = 10 होगा, तो सेकेंड वैल्यू x की हमारी 10 आ गई। अब देखो बच्चा, अगर हम x को 8 लेते हैं, फर्स्ट नंबर को हम 8 लेते हैं, तो सेकंड नंबर 18 - 8 = 10 होगा। ओके, लेकिन अगर हम x को 10 लेते हैं तो y हमारा 18 - 10 = 8 हो जाएगा, तो इसका हम जो फाइनल आंसर होगा ना दो नंबर्स, वो क्या होंगे, 8 और 10 होंगे, तो हम डायरेक्टली यही आंसर लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 और 10। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो गया है।